नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। चीन के वुहान से फैले कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा रखा है। आज हालात ऐसे हैं कि कोरोना वायरस ने ज्यादातर देशों को घुटनों पर ला दिया है, लेकिन ये वायरस कैसे फैला और कहां से फैला इसको लेकर अब तक कोई सबूत नहीं मिले, लेकिन इस वायरस के चीन के वुहान से फैलने का दावा किया जाता है। ऐसा दावा भी किया जाता है कि यह वायरस नेचुरल नहीं है बल्कि इसे लैब में बनाया गया है। विज्ञान संबंधी मामलों पर लिखने वाले ब्रिटेन के मशहूर लेखक और संपादक निकोलस वेड ने भी यह आशंका जाहिर की है। दरअसल गुरुवार को उन्होंने कहा कि चीन के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के रिसर्चर्स कोरोना वायरस से मानव कोशिकाओं और मानवकृत चूहों को संक्रमित करने के लिए प्रयोग कर रहे थे। निकोलस ने बताया कि इसी तरह के प्रयोग की वजह से कोरोना जैसे वायरस के पैदा होने की आशंका है। वेड ने इस महीने की शुरुआत में प्रतिष्ठित बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट में प्रकाशित कोविड की उत्पत्ति, वुहान में भानुमति का पिटारा लोगों ने खोला या प्रकृति ने शीर्षक वाले लेख में सार्स सीओवी 2 की उत्पत्ति पर कई सवाल उठाए हैं। कोरोना वायरस दिसंबर 2019 में वुहान से फैलना शुरू हुआ था और फिर ये वैश्विक महामारी बन गया। वेड ने कहा कि सबूत इस आशंका को पुख्ता करते हैं कि वायरस एक प्रयोगशाला में पैदा किया गया जहां से वो फैला, लेकिन इसकी पुष्टि के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। उन्होंने कहा है कि कई लोग जानते हैं कि वायरस की उत्पत्ति को लेकर दो मुख्य अनुमान जताए जा रहे हैं। एक अनुमान यह है कि ये वन्य जीवों से मनुष्यों में प्राकृतिक रूप से आया और दूसरा अनुमान ये है कि इस वायरस पर किसी लैब में अध्ययन किया जा रहा था जहां से वो फैल गया। वेड ने कहा कि वुहान चीन के मुख्य कोरोना वायरस अनुसंधान केंद्र का घर है जहां अनुसंधानकर्ता मानव कोशिकाओं पर हमला करने के लिए चमगादड़ संबंधी कोरोना वायरस बना रहे थे। उन्होंने कहा कि वो न्यूनतम सुरक्षा प्रबंधों के बीच ऐसा कर रहे थे और अगर सार्स 2 का संक्रमण वहां से अप्रत्याशित रूप से फैला तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वेड ने कहा कि इस बात के दस्तावेजी सबूत हैं कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के शोधकर्ता मानव कोशिका और मानवीकृत चूहों को कोरोना वायरस से संक्रमित करने के लिए गेन ऑफ फंक्शन प्रयोग कर रहे थे। इसी प्रकार के प्रयोग से सार्स 2 जैसा वायरस पैदा हुआ होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।